बीना जी, बीना जी मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैंने देखा है कि आनंद जी आपसे कितना प्यार करते हैं, कोई और पति बिल्कुल नहीं कर सकता। मैंने देखा है कि आपका कितना ख्याल रखते हैं, कोई और पति नहीं रख सकता। अरे दादा, कोई और पति से तुम्हारा क्या मतलब है? अरे हमारे तो एकलौते पति है। हाँ। और आपके इसी पति से मुझे प्यार हो गया। I really love you आनंद जी। अरे आप ये क्या कह रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता सिमरन जी। ऐसा क्यों नहीं हो सकता, ऐसा जरूर हो सकता है। अरे ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उल्टा ये लड़की है जो हमारे गले पड़ी हुई है। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था कि मारा बापू बिल्कुल शरीफ से, एकदम सीधा आदमी से। देखो तो क्यों ना इस मुसीबत की विदाई की पार्टी कर दी जाए। नहीं नहीं नहीं, अगर हमारे बॉस को मालूम पड़ गया ना तो सबसे पहले वो हमारी विदाई करेगा ऑफिस से, या फिर हमारा प्रमोशन रोक देगा। अगर दोनों में से कुछ भी हुआ तो हम अपनी पांचों बेटियों की शादी कैसे करवाएंगे। अरे पर ये तो अन्याय है, और अन्याय मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती पापा। सबसे अच्छा उपाय ये है कि हम लोगों को उसका ऑफर ही रिजेक्ट कर देना चाहिए, उसके बाद वो पति पत्नी और वो फिल्म की वो की तरह यहाँ से खुद ही निकल जाएगी। अरे वो सब तो ठीक से, लेकिन करेंगे कैसे, यो भी तो सोचना पड़ेगा ना। वो का है ना, पति चाहिए तो घर की जिम्मेदारियां भी उठानी पड़ेगी, पति की भी और बेटियों की भी। पर... वाह, मैं कितनी लकी हूँ, मुझे तीसरी मम्मा मिल गई। मैं कितनी इमोशनल हो रही हूँ इस समय। मम्मी, कोई अंधा भी कहेगा कि मैं तुम लोगों की मम्मी नहीं, दीदी जैसी लगती हूँ। मम्मी कुछ भी पालो, गलतफहमी ना पालो। अरे बच्चे ठीक ही तो कह रहे हैं, जब तुम्हारी इनसे शादी होगी तो इनकी तो तुम मम्मी ही लगोगी ना। अब वो तब की तब देखी जाएगी। तब की तब नहीं मम्मी, अब की अब देखी जाएगी। अरे गुलाब भारी था या फिर आप कमजोर हो? हम कमजोर? नहीं नहीं, गुलाब भारी, गुलाब कमजोर। आपको आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? आइए आइए, मैं आपको पसीना पोंछ देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, हम पोंछते हैं। पोंछ लिया। वैसे इस मौसम में आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? खर्चा? खर्चा क्या है कि जब भी कोई बहुत बड़ा खर्चा हमारे सामने आ जाता है ना, तो हमारे पसीने छूट जाते हैं। कौन सा खर्चा? ये दिवाली का महीना है ना, तो ये पूरा 52,356.26 का खर्चा आ गया है। बस हाँ, इतनी सी बात, मैं हूं ना, ये सारे के सारे पैसे मैं दे दूंगी। हैं? ये लो, ये तो राशि हो गई, यानी कि ये प्लान भी फेल हो गया। ये सब क्या है? नाश्ता। कितने का बिल है? 8,000 का मैम। 8,000? Oh my God, इतना महंगा, इतने सारे पैसे, अब कौन देगा छोटी? मुझे नहीं मालूम। Actually मैं पैसे दे देती, पर मेरे पास कैश नहीं है। Oh, अरे कैश नहीं है तो क्या हुआ मम्मी? कार्ड तो सही ना? मेरा कार्ड? देखो काजल, तुम्हें मेरे वॉलेट को नहीं छूना चाहिए। बहुत खूब, हाँ? आप हमारे बापू पे डाका डाल सकते हो और हम थारा वॉलेट भी ना छू सके से, बहुत ना इंसाफी से। आखिरकार आप हमारी मम्मी हो। चलो भैया खींच ले इसमें से 8,000 रुपए।